जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे करियर की। सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए, देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एरीज एज यूजुअल, हमेशा की तरह मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही जोन में हैं, और हो सकता है कि आप इस पर्सन से दूरी बनाए हुए हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। येस ऑफ कोर्स, हो सकता है कि फैमिली सिचुएशन ऐसी हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड, या आप इस पर्सन से मैरिड है, या आप लोगों के बीच में और थर्ड पार्टीज भी हैं, किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, और आप अपने जोन में हैं, आप अपना अपने आप को यू नो बिजी रख रहे हैं एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन बिकॉज आप इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, और डिफेंसिव मोड में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही जोन में, अपनी ही लाइफ में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है। कटिंग पीपल आउट ऑफ योर लाइफ, जो लोग आपको आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं, या यू नो आप अपने ही जोन में हैं, एंड इट्स अबाउट कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पर्सन से दूर रख रही हैं। ऑफ कोर्स पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, और ये जो पर्सन है, आई थिंक देखिए, ऑल दो देर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, एक लेवल पे है, आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं आके ये पर्सन अपने आप को, इनको लगता है कि यू नो कि इनके साथ धोखा हुआ है या चीट किया गया है, और मे बी मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके, बहुत ज़्यादा बहुत ये सोचते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। हो सकता है इनकी अपनी लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट चल रही हो, या अगर आप दोनों की हो सकता है, अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है, तो आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, और ये पर्सन अपने जोन में है, ईगो क्लैशेस भी हो सकती हैं। तो आई थिंक आप दोनों का ही ध्यान, आप लोगों की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड है, और मुझे आगे यही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज एरीज पीपल अपने ही जोन में हैं, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी बीच में है, या कोई गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, कन्फ्लिक्टेड जोन है, हो सकता है आप अलग अलग रह रहे हो, या हो सकता है बहुत सारी स्टोरीज मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है। एरीज अपनी न्यू एनर्जी में है, एरीज अपनी लाइफ में आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि कुछ और, येस दे आर अप टू समथिंग न्यू। अच्छा, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि अगर आप सिंगल भी हैं तो न्यू एनर्जी इज़ अराउंड यू, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब आप आगे शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक वो नयापन लेके आना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके अराउंड ऑप्शंस भी हों, मुझे न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एरीज के लिए, या यू आर लाइक इन टू दैट जोन, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल लाइक आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो शायद हो सकता है बैलेंस लाना चाहते हो, लेकिन आप अपने ही जोन में हैं, आप अपने ही यू नो अपने ही एरिया में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है प्रोफेशनली अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो मुझे अभी ये जो मसला है ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। और एरीज़ के लिए लव लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि अब वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, वट एवर
जो जो कुछ भी चल रहा है, बट अपनी लाइफ में नया कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे इट्स इन टर्म ऑफ देयर करियर या लव लाइफ या जो भी है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, मतलब इस सारी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से दूर होके अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल द एरीज पीपल? ओके, करियर वाइज आई थिंक सम पॉजिटिव चेंजेस आर अहेड। हो सकता है इस हफ्ते आप कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप अपने काम को। डेफिनेटली सम पॉजिटिव, कुछ लोगों को हो सकता है यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर। आपने शायद लाइक सम ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, आई जस्ट सॉ 555, सो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कुछ बेटर हो रहे हैं फाइनेंसेस। बट यू हैव टू बी रियली वेरी स्मार्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, या कुछ हट के आप सोच रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एरीज के लिए, लाइक कुछ डिफरेंटली आप कुछ नया कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। हम ये वाले डेक यूज़ करेंगे आपके करियर के लिए, और देखते हैं। ओ, पहला ही कार्ड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ट्राई करें, पैशनेटली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सो आगे बढ़ते जाइए एंड बी इन टू दैट जोन। या वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एज वेल, तो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। देन अगेन सन, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, राइट? मैंने आपको बोला ना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो आगे बढ़िए, फोकस कीजिए, एंड आपको कोई नहीं रोकेगा। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि जो भी व्हाट वी से दैट कि चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको फेस कीजिए और आगे बढ़िए। तो देर इज़ नथिंग टू वरी। मुझे लगता है कि आप आगे ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, और आप चाहते भी हैं, आप अपनी लाइफ में ये चाहते भी हैं कि यू वॉन्ट एवरी थिंग। आप लेविश लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आप ऐसे नहीं रह सकते हैं, आप अपने जोन में द वे यू यूज टू बी इन द पास्ट या जो भी, तो इट्स ओके। चीज़ों को टाइम लगता है, बट आई थिंक आप शुरुआत कर रहे हैं। और ट्रैवल, जैसे मैंने बोला ना कि ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, और इस हफ्ते मे बी यू आर गेटिंग सम मनी फ्रॉम समवेयर, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी की कॉल, या मूविंग टू डिफरेंट प्लेस, सो आप रेडी हो रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल फ्रॉम आवर एंजल्स? डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एरीज, सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन, ठीक है? अगर आप कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव इन सम डिवाइन एनर्जी, तो आपको टोटली सरेंडर करना पड़ेगा और तब आगे बढ़ना पड़ेगा। यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन। अगर आप सोचें कि आपके हिसाब से चीज़ें वर्क करेंगी, नो, जहाँ डिवाइन जो आपको दिखा रहे हैं उस पाथ को फॉलो कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट्स अबाउट अपने उस फियर जोन में से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, और बिलीव करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू फ्लाई। मुझे लगता है बहुत टाइम से आपने अपने आप को जोन में बंद करके रखा हुआ था, एंड स्टिल देयर इज काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। नो, इट्स अबाउट मूविंग अहेड इन लाइफ, इट्स अबाउट अचीविंग योर गोल्स, इट्स अबाउट डोंट कंपेयर। आप कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, ठीक है? जो भी है, जैसा भी है, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड आगे अपने अराउंड लोगों को देख के चलिए। और हो सकता है कुछ लोग हों आपके अराउंड जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा सोचते हैं, पर शायद अच्छा ना सोचते हो, या आपको ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको करियर में फ्लरिश होते नहीं देख सकते, वट आई मीन, राइट? तो
सोचिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड या डीप डाउन विद इन कहीं आप ही की सोच लाइक आगे आपको बढ़ने से ना रोक रही हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल. आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय.